हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही सुपर शार्ट तरीके से बताएंगे। ये मॉड फंक्शन का रहेगा स्टूडेंट, जो कि हर क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। इसे विद इन 10 सेकंड में करने के लिए बहुत ही शार्ट तरीका बताऊंगा। इसे आप लोग लास्ट तक देखें। और स्टूडेंट, आप लोगों से अपील है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने ईस्ट मित्रों को ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब लाइक ना किए हों तो अवश्य कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, किस टाइप क्या है मॉड फंक्शन का। ये पहला क्वेश्चन मैं लिखा हुआ हूँ, इंटीग्रेशन 2 से 8 एक्स माइनस फाइव का मॉड डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन वैसे तो आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसको हम बहुत ही सुपर ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये ट्रिक दिया हूँ, ट्रिक नंबर वन, ये इंटीग्रेशन ए से बी इस टाइप का है, एक्स माइनस सी का मॉड डी एफ, हेयर ए लेस देन सी, सी लेस देन बी। मतलब कंडीशन ये है कि ए जो है लेस रहे सी से, सी लेस रहे बी से। मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट सी है, ये ए और बी के बीच में रहे, तब ये नियम लागू होगा। और अगर बीच में ना रहे, उसके भी लिए भी हम ट्रिक बनाए हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्टूडेंट, इस टाइप का अगर है तो क्या काम करेंगे, देखें यहाँ पर। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ ए और बी और सी तीन पॉइंट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बी से सी में देखें, तो बी से सी में क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। अब ट्रिक चल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें बी बड़ा है सी छोटा है, देखो यहाँ पर लिखा बी बड़ा है सी छोटा है, तो बड़े से छोटा घटाएंगे, माने बी माइनस सी। ठीक, बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस करेंगे, फिर देखेंगे अब सी से ए की ओर चलेंगे, इसमें देखेंगे जो भी पॉइंट यहाँ रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान दें स्टूडेंट, बीच में हमेशा ये माइनस रहना चाहिए। अगर मान लिए प्लस भी है तो आप उसको माइनस करके बना सकते हैं, माइनस टाइम्स ब्रैकेट माइनस कर देंगे। तो यहाँ मैंने यही स्टैंडर्ड ट्रिक है कि बीच में माइनस अवश्य रहे, और नहीं है तो बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, अब सी और ए में देखिए कौन सा बड़ा, सी बड़ा है ए छोटा है, तो जो बड़ा है उसी से छोटे वाले घटाएंगे। यहाँ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइड बाई टू। यही स्टूडेंट ट्रिक है, ठीक, ए से बी एक्स माइनस सी का मॉड डी एक्स हो, जहाँ सी जो है इन दोनों के बीच में रहे। तो जो बड़ा है बी, और बड़ा है तो बी से सी को घटा कर वर्क करेंगे, फिर बीच में प्लस करके, और ये जो बड़ा सी है ए छोटा है, तो सी से ए को घटा करके वर्क करके और दो से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अब यह क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से 8 लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स माइनस फाइव का मॉड डी एक्स है। तो देखिए जो यहाँ एक सबसे पहले ध्यान दें, जो ये पॉइंट सी है जो है बताया मैं यहाँ ट्रिक में, वो इन दोनों लिमिटों के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 के बीच में ही 5 आता है, तो सेम जो ट्रिक बताया वही काम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 8 बड़ा है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस प्रकार करेंगे। तो 8 में से 5 लिख देता हूँ एक बार, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीच में रहेगा, 5 माइनस 2 है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अभी 8 में से 5 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, अरे 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 9 9 18 और बटे 2 ये बराबर 9। तो स्टूडेंट, इसका जो इंटीग्रेशन है 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, यही चीज़ अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो वहाँ टाइम लगेगा। ये देखिए, आप विद इन 5 सेकंड लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो अब इसी को देखो, अगर स्टूडेंट इसको विस्तार से करना चाहें तो सबसे पहले जो ये मॉड के अंदर है इसको 0 के बराबर करूँगा, तो वहाँ से x बराबर 5 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। थोड़ा सा मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग मेथड भी क्या करेंगे, सबसे पहले ये x माइनस 5 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर 5, यही स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके लिए, अच्छा अब इसके लिए हम देखेंगे 5 से कम और 5 से ज़्यादा, उसको दो भाग में तोड़ेंगे, तो ये नंबर लाइन में कर लेते हैं, थोड़ा सुविधा रहेगी आप लोगों के लिए। देखिए, अब ये मान लीजिए जैसे यहाँ 2 कह दिया, पहले 2 होगा, फिर ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है 5 वो कर दिया, फिर उसके आगे 8 है 8 लिख दिया। तो आप देखें, जैसे इधर से हम चलेंगे तो यहाँ क्या, यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस चलता है, फिर ये प्लस होता है, फिर आगे इस प्रकार चलते हैं।
तो यहाँ पर हमें क्या दो से पाँच के बीच में तोड़ना होगा। दो से पाँच में क्या होगा, दो से पाँच में नहीं स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ चलेंगे, ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ चलेंगे, ये गलत हो गया है। पाँच माने ये जो ये पॉइंट है ये पाँच है ना, तो प्लस फिर ये माइनस, ठीक है, ये भी प्लस है ऐसा, ठीक है, इसके बीच में ये प्लस रहेगा। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो पाँच से कम मान रखेंगे तो निगेटिव ना हो जाएगा, चार रखेंगे ऋण आ जाएगा, तीन रखेंगे ऋण हो जाएगा, तो इसका मतलब जो दो से पाँच के बीच है वो ऋण हो जाएगा। अब पाँच से जो ज़्यादा रहेगा, पाँच से आगे बढ़ा देंगे, छः सात आठ प्लस हो जाएगा, इसलिए पाँच से आठ में प्लस रहेगा और दो से पाँच में माइनस रहेगा। तो बस इसी में तोड़ना है, बस इतने करना और आगे नहीं बढ़ जाना है। तो कहने के बाद कितने में टूट जाएगा ये फिर, तो कहने के मतलब दो से पाँच जब करूँगा तो इसके निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स माइनस पाँच निगेटिव, अब मार हट जाएगा, फिर प्लस दो से पाँच हुआ, फिर आगे पाँच से आठ जाएंगे, जब पाँच से आठ जाएंगे तो ये पाँच से आठ प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस पाँच हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बस, ठीक है, तो हमारा मानना ही कर लेंगे इस प्रकार से भी, कोई कठिन नहीं है। आप इस प्रकार से इस नंबर लाइन बनाएं, हाँ, प्लस माइनस प्लस करें तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस हो जाएगा, या वैसे आप समझ सकते हैं कि दो से पाँच के बीच में निगेटिव वैल्यू आएगा, अब पाँच से आगे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसी प्रकार से क्रिटिकल पॉइंट फाइव है तो दो से पाँच में तोड़ा, फिर पाँच से आठ में तोड़ करके, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हम सुपर शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, इसलिए भी समझें, और पर यूपी बोर्ड में अगर आप 12 में बैठेंगे तो इस प्रकार से लगाएं, दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये हमारा आंसर हो गया 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन माइनस 3 से 4 है, x प्लस 2 का मॉड dx, इसका करना है। तो स्टूडेंट अब देखिए, हमने क्या बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है तो सबसे पहले माइनस करेंगे, तो होगा माइनस 3 से 4 और x माइनस माइनस 2, ऐसे कर देंगे का मॉड इस प्रकार से dx, ठीक, ऐसे करेंगे। अब वही भी इतना थोड़ा देखना होगा स्टूडेंट, जो ये पॉइंट आया है माइनस टू, ये देखिए माइनस थ्री और फोर के बीच में है ना, तो निश्चित रूप से उसके बीच में होगा, माइनस थ्री और फोर के बीच में तो माइनस टू आएगा, है ना, माइनस थ्री से बड़ा होता है माइनस टू और फोर से छोटा होता है, जिसके बीच में आ जाएगा। तो वही ट्रिक लगा देंगे जो बताया हमें, कि अपर से ये घटाया, सबट्रैक्ट किया घटाया, और इसमें से फिर ये घटाया, जो बड़ा है उसी में से घटाना, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे फिर, इसमें पाँच फोर है तो फोर अच्छा घटाना ही है माइनस, यहाँ माइनस आई भी है भी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हर बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस चलेगा, ये माइनस टू है, माइनस टू में से ये घटाएंगे क्योंकि इससे ये छोटा है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस टू प्लस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक। आगे तो चार दो छः, छः का वर्ग 36 हो जाएगा, और तीन में से दो घट जाएगा, एक एक का वर्ग एक ही रहेगा, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, तो 36 एक 37, 37 बटा दो इसका आंसर होगा। देखिए सर कितना कम समय लगा, लगाने आप करके देखें, 5 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे, ये तो मैं समझा रही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंटीग्रेशन 0 to 5, एक्स माइनस 3 का मॉड प्लस एक्स माइनस 4 का मॉड, माने दो मॉड फंक्शन में सम के रूप में हो चाहे सब्ट्रैक्शन के रूप में हो डीएक्स, इस प्रकार हो, तो इसी विद इन 10 सेकंड के अंदर हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग भी प्रैक्टिस करें। इतने ध्यान देने स्टूडेंट, जो क्रिटिकल पॉइंट हैं ये इन लिमिटों के बीच में होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी, अगर इसके बीच में नहीं है तो मैं अगला दूसरा ट्रिक और बताने जाऊंगा, बता रहा हूँ इसके बाद। तो देखिए, तो ये तो 3 है, 0 से 5 के बीच में है, 4 है, ये भी 0 से 5 के बीच में है, तो ट्रिक लग जाएगी। तो ये दो फंक्शन है, तो चाहे तो आप दोनों में अलग अलग कर लें भाई, इंटीग्रेशन इसमें भी इसमें लगा दें, अच्छा इसी में करते जाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम अलग अलग कर देते एक बार, 0 to 5, एक्स माइनस 3 का मॉड प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 एक्स माइनस 4 का मॉड, डीएक्स लिखते जाइएगा, डीएक्स डीएक्स, ठीक है। अब लगाइए, देखिए ये अपर है, बड़ा है 3 से, तो इसमें से ये घटेगा, आइए 3 से ये घट जाएगी 0, ठीक, इस प्रकार से यहाँ 5 से 4 घटाएंगे, फिर ये 4 से 0 घटाएंगे, वर्ग करते जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगी, ये 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक, फिर 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही रहेगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, फिर आगे प्लस
यहाँ देखिए पाँच में से चार घटा देंगे, एक एक का वर्ग एक ही होगा, फिर प्लस बीच में लगता है, ध्यान दीजिए चार में से जीरो घटाएंगे चार ही रहेगा, अब चार का वर्ग जो करेंगे तो 16 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हुआ 9 4 13/2, ये 16 1 17 17/2, तो 17 13 कितना हुआ 30 30/2 यानी 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, कितना टाइम लगा आप लोग खुद मूल्यांकन करें, इसको देखें घड़ी से कितना समय लगा इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th है इंटीग्रेशन 1 से 2 है x माइनस 5 का मॉड dx है। अभी सुनो इसको गौर करो, अभी पिछले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा भिन्नता है, भिन्नता यह है जो क्रिटिकल पॉइंट 5 है ये 1 और 2 के से बाहर है, माने दोनों लिमिट से ये बड़ी है, बाहर है ये, तो इसका मतलब ट्रिक ये देखो, ये मैं लिखा हुआ हूँ इसके ऊपर, ट्रिक देख लीजिए आप लोग, ट्रिक 2 इंटीग्रेशन a से b x माइनस c का मॉड dx है, वेयर जहाँ क्या है a लेस देन b लेस देन c है, मतलब क्या हुआ c जो है सबसे बड़ा माना गया, देखो a a से बड़ा b b से बड़ा c, मतलब c सबसे बड़ा है, ये दोनों जो लोअर अपर लिमिट है c से छोटा है क्रिटिकल पॉइंट से, तो क्या काम इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट, जो लिमिट है बड़े में से छोटे घटा दो b माइनस a, ये काम करेंगे, फिर कोष्टक में स्टूडेंट क्या काम करेंगे जो बड़ा हो घटाना बड़े से छोटे को है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट बी से सी में सी ने बड़ा है तो सी माइनस बी करेंगे, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए ट्रिक, अब ये बी देखिए यहाँ पर क्या है सी बड़ा है तो सी माइनस बी, यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा, सी माइनस बी अब प्लस रहेगा, अब फिर यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा, सी ही बड़ा है तो सी माइनस ए, तो आगे के सी माइनस ए, ठीक है, और डिवाइड दोनों सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये अपना बाहर रहेगा। ठीक, इस प्रकार बी माइनस ए, फिर इन दोनों में जो बड़ा हो उससे छोटे घटाते जाएं, सी माइनस बी एक ब्रैकेट में और फिर सी माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में, अब डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यही बहुत अच्छा ट्रिक है स्टूडेंट इस प्रकार से करने का, ये अक्सर परीक्षा पूछा जाता है TGT PGT LT है ना NDA में, आपके इंटर फाइनल में अनिवार्य रूप से आएंगे, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देखिए सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 से बता ही दिया हूँ, अब यहाँ देखिए 5 क्या है इन दोनों से बाहर है, तो क्या काम करेंगे ठीक इसका क्या है, अपर में से लोअर घटाएंगे 2 माइनस 1, ठीक, फिर दूसरा कोष्टक शुरू, अब इसमें जो बड़ा हो उसे घटाएंगे, ये 5 में से 2 घटेगा तो 5 लिख देता हूँ एक बार, 5 माइनस 2, ठीक है, फिर बीच में प्लस चलेगा, फिर 5 में से 1 घटेगा क्योंकि ये 5 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही स्टूडेंट ट्रिक है, तो 2 में से 1 गए की हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 1 गए 4 और बटे 2 हो जाएगा, तो कितना हुआ 4 3 7/2 आंसर हो गया 7। ठीक, इस प्रकार से आंसर हो गए, आप ऑप्शन में जिस नंबर पर हो उसमें गोला भर देंगे, ये ठीक कर लेंगे। अभी स्टूडेंट आप अपने विस्तार तरीके से जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके 5 में 1 से 5, अब यहाँ देखिए कैसे तोड़ पाएंगे, ये 5 तो इसके अंदर है नहीं बाहर है, तो इस ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ इसमें जाएंगे, अगर विस्तार करना चाहते देख दीजिए, एक तरीके ये है, अगर मैं विस्तार बता दूँ इसको स्टूडेंट, विस्तार देखो 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू रखें 5 से तो कम ही है, तो जब मान रखेंगे तो निगेटिव ना जाएगा, तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ 1 से 2 के बीच में हमें निगेटिव ही मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा, तो सीधे x माइनस 5 कोष्टक कर देंगे, मॉड हट गया। ठीक, इसको मैं विस्तार से भी कर दे रहा हूँ, देखो ये तब मिला के देता हूँ उस तक, अब स्टूडेंट ये समझ में बात आ गई होगी कि 1 से 2 के बीच में मान यहाँ 1 रखूँ या 1.5 रखूँ या 2 रखूँ तो 5 से कम ही रहेगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऋण आ गया, अब मॉड हट गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो अलग अलग कर लें, चाहे इकट्ठा करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अलग करो तो माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो 5x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 5x लिमिट चढ़ा दीजिए 1 से 2 तक। ठीक, फिर देखिए अपर लिमिट पहले रखेंगे मान, तो कितना हो जाएगा 2, दो दून 4 4 में से 2 घटेगा, 2 डिवाइड होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये है 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बीच माइनस होता है माइनस करके कोष्टक यहाँ लगा दीजिए ताकि साइन में गलती ना हो पाए, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा,
ये माइनस आई है, एक रखेंगे तो पाँच एक नम पाँच हो जाए, कोष्टक बंद करके बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर इसके आगे देखिए, माइनस बाहर लगा रख दीजिए, ये देखिए दस में से दो हटा दीजिए, माइनस आठ ही हो जाएगा। अब इसमें आप घटा दीजिए स्टूडेंट, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, पाँच दूनी दस है ना, और दस में से एक घटेगा, माइनस नौ बटे दो, आइए प्लस मिल जाएगा तो प्लस न हो जाएगा, प्लस नौ बटा दो हो जाएगा, क्यों पाँच दून दस, एक घट गया माइनस नौ बटा दो, और ये माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक बंद कर दीजिए, फिर आगे आइए माइनस, अभी आप गुणा लघुत्तम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, दो अट्ठे सोलह माइनस सोलह, अब प्लस नौ डिवाइड बाई टू, ठीक। अभी कितना होगा, जैसे देखिए ये होगा आपका माइनस सात, अभी माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेवन बाई टू, ये स्टूडेंट आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आइए, ये आंसर हम उसमें भी बताए थे, यहाँ भी बताए हुए हैं, ठीक, ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें टाइम लगा, इसमें विद इन फाइव सेकंड में हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार है और दोनों प्रकार से आप लोग करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन फोर से सिक्स, एक्स माइनस वन का मोड डी एक्स, इसको निकालना है। तो सबसे पहले शुरू देखें, ये जो क्रिटिकल पॉइंट वन है, क्या छः चार से छः के बीच में आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, ये बाहर है, तो ट्रिक नंबर टू काम करेगी ना, अभी बताया मैं ट्रिक नंबर टू, वही आप ट्रिक लगाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले, अच्छा अगर विस्तार से करना चाहें तो विस्तार से कर सकते हो, लेकिन उसमें आप बता चुका हूँ, कर लीजिएगा विस्तार से भी, एक्स माइनस वन जीरो करके एक्स माइनस एक हो जाएगा, फिर उसमें तोड़ करके बना लीजिएगा। तो यहाँ ट्रिक से देखिए, तो क्या होगा, अब इसका स्टूडेंट क्या ट्रिक है कि पहले अपर में से लोअर घटाइए, तो सिक्स माइनस फोर ये होता है, फिर कोष्टक, फिर इसमें जो बड़ा हो उसी से छोटे घटाना है, तो छः है बड़ा एक कम है, अच्छा हमेशा माइनस रहेगा तो बता चुका हूँ आपको, प्लस है तो माइनस बना लीजिए माइनस लगा करके, तो छः में से एक गए, तो सीधे लिख देता हूँ पाँच, ठीक। इस प्रकार से ये माइनस ना समझिए, माइनस तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म उसका है ही है, ट्रिक का माइनस के अलावा एक मानेंगे ना, छः में से एक गए पाँच, फिर पीछे में प्लस रहेगा। अब यहाँ एक है, यहाँ चार है, तो चार न बड़ा है तो चार से घटाएंगे, तो चार में से एक गए तीन, ठीक। इस प्रकार छः में से एक घटाए पाँच हुआ, और चार में से एक घटाए तीन हो गया, ठीक, तो ये हो गया। अब डिवाइड बाई टू, समझ आई बात, ये ट्रिक समझ में आ गई बात, ये अभी ट्रिक मैं बताया भी हूँ, आप लोग नोट भी कर लेंगे, बराबर छः में से चार गए दो, ये हो जाएगा इंटू पाँच तीन आठ बटे दो, ठीक है, दो से दो काट दीजिए तो बराबर आठ, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क के रूप में आप लोग से अवश्य करके दिखाएं। इंटीग्रेशन थ्री से फाइव एक्स प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट, एक्स प्लस वन का मॉड डी एक्स, ये है स्टूडेंट, कर लेंगे इसको। सबसे पहले थोड़ा हिंट मैं दिए दे रहा हूँ, ये प्लस में दे दिया हूँ, सबसे पहले आप माइनस बनाएंगे तो एक्स माइनस ब्रैकेट में माइनस वन करेंगे, अब देखें क्या वो माइनस वन तीन और पाँच के बीच में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो ट्रिक नंबर टू हमारी काम करेगी ना, ट्रिक नंबर टू, पाँच में से तीन घटा देंगे, फिर इसमें से जो बड़ा होगा बड़े से छोटे घटाते चलेंगे, यहाँ भी देखेंगे जो बड़ा होगा छोटे घटा देंगे, दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। हमारा उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो क्लास में स्टूडेंट आप लोगों को इतने क्वेश्चन हम बताए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर ठीक से पढ़ेंगे, आगामी बोर्ड एग्जाम है में आप लोग अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे। वीडियो को लास्ट तक पढ़ें, देखें, समझें से, और अपने स्टूडेंट इष्ट मित्रों को जरूर बताएं, और अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य कर लें, जिससे आपको तरह तरह की सूचनाएं मिलती रहें, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में, थैंक यू।